हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस। एसएससी से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं एसएससी से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एसएससी जेई 2023 का विज्ञापन जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख 26 जुलाई को ही एसएससी जेई का विज्ञापन जारी हो चुका है। आप देख सकेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे सीटों का विवरण किस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 16 अगस्त तक किस प्रकार होगा, हम सभी आपको दिखाएंगे और आप इसका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चीज़ों को डिटेल से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भारत सरकार का कार्मिक लोक सेवा शिकायत पेंशन मंत्रालय कार्मिक, यहाँ पे लोधी रेड नई दिल्ली का जो नोटिस है आज का है, ये यहाँ पे देख सकते हैं 26/7/2023 से, जो कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग है यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग डेटों का विवरण इस प्रकार से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका अप्लाई करने का अंतिम तिथि जो है 16 अगस्त है। वहीं जो इसका विंडो जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट का है, 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है पेपर फर्स्ट का, जो कि पेपर फर्स्ट होगा, वो अक्टूबर में कराया जाएगा, जैसा कि पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे आप सीधे साफ साफ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन 26 से शुरू हो रहा है 16 अगस्त तक। वहीं आपको 2 दिनों का समय दिया जाएगा, अतिरिक्त समय दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा अगर परीक्षा की बात की जाए तो अक्टूबर में इसकी परीक्षा होनी तय है। इस परीक्षा की एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें देख सकते हैं आप, एज लिमिट जो है एज ऑन 16/8/2023 16 अगस्त को एज लिमिट फिक्स किया गया है, जिसमें 1/8/2023 देख सकते हैं आप, यहाँ पे 30 साल तो है बॉर्डर रोड BRO का जो है 30 साल तक। लगभग ऑलमोस्ट सभी जो इसमें वैकेंसी है सभी के लिए मिनिमम आयु मैक्सिमम आयु 30 वर्ष रखी गई है। अगर हम वैकेंसी के विवरण की बात की करें, जो कि एक महत्वपूर्ण खबर होती है, लोगों के और विद्यार्थियों के बीच एक उत्सुकता का माहौल रहता है कि कितनी वैकेंसियां हैं, तो हम आपको बता दें जो कि बॉर्डर रोड BRO में 431 टोटल सीटें हैं, जिसमें UR का देख सकते हैं 175, EWS का 43, 43, OBC का 116, SC का 65 और ST का 32 सीटें हैं, जो कि JEE पद के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे आप सीधा साफ साफ देख सकते हैं, जो कि 431 सीट मायने रखता है। वहीं इसके अलावा फॉर मेल कैंडिडेट ओनली के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग विवरण दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकेंगे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए टोटल 421 सीट, जिसमें UR 194, 32 EWS, OBC का 82, इसी प्रकार से अलग अलग सीटें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं, आप जैसा चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये वैकेंसियों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी का विवरण। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये होगा, जिसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पेपर के जो कि पैटर्न और इनकी प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है, ड्यूरेशन के बारे में चर्चा किया गया है। जैसा कि आप देखते हैं, पेपर 1 में जो कि CVT एग्जाम होगा, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग, जैसे 50 क्वेश्चन इसके होंगे, 50 क्वेश्चन आपके GS के होंगे। वहीं इसका समय 2 घंटे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको जनरल इंजीनियरिंग का भी, अपना इंजीनियरिंग का पार्ट भी पूछा जाएगा, जो कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे किसी अन्य मैकेनिकल पद जैसे पद से हो, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो कि सिलेबस होगा वो जारी होगा। हम बात पेपर 2 की करें तो आप देख सकते हैं, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये भी सेम 2 घंटे होगा। इसमें भी देख सकते हैं आप, 100 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे, जैसे कि इसमें इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट होंगे, टोटल इंजीनियरिंग के पार्ट होंगे, जैसे सिविल के, स्ट्रक्चरल के होंगे, इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई है। वहीं अगर हम सिलेबस की बात करें, तो पेपर 1 में आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए सिलेबस ये रखा गया है, GS के लिए सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस लग रहा है। इसके अलावा नीचे देखने पे हम देख सकते हैं इंजीनियरिंग की सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए है, और अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग जो कि सिलेबस जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं।
तो यह परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको हमने अभी आपको बताया कि आपका जो 26 अर्थात आज नोटिफिकेशन आ गया है, एडवर्टीजमेंट जारी हो गया है जिसका ऑनलाइन आवेदन ही आज से शुरू हो गया है और 16 अगस्त तक ये चलेगा और उसके बाद आप 18 अगस्त तक अपना ऑनलाइन फीस दे सकते हैं। वहीं अक्टूबर में इसकी परीक्षा की जानी है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके और आप तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नई सूचना नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।